दिल्ली के 400 साल पुराने मुगलकालीन बारापुला ब्रिज के पास बनी झुग्गियों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से झुग्गी बस्ती के स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली बीजेपी झुग्गी झोपड़ी सेल की तरफ से इलाके के पास एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर भी सामने आई, जो हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के 400 साल पुराने मुगलकालीन बारापुला ब्रिज के पास बनी झुग्गियों को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया था, जिसके बाद झुग्गी बस्ती के स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते दिल्ली बीजेपी झुग्गी झोपड़ी सेल द्वारा इलाके के पास एक विरोध प्रदर्शन करने पहुंची। बता दें कि दिल्ली के जंगपुरा इलाके के पास के क्षेत्र में करीब 200 झुग्गियां हैं, जिन्हें हटाने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया, जिसकी मियाद 11 सितंबर को पूरी हो रही है। इस कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी के झुग्गी झोपड़ी सेल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा, आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार लोगों को घरों से बेदखल कर रही है। दरअसल बारापुला ड्रेन के आसपास बनी इन झुग्गियों के कारण मॉनसून के दौरान जलभराव की गंभीर समस्या रहती है। यहां पर लोग पिछले 40-50 सालों से रह रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ब्रिज के पुनरुद्धार के लिए इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है। बीजेपी की ओर से झुग्गी झोपड़ी सेल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए समय सीमा के बाद इस इलाके में क्या कार्रवाई की जाती है और ये विरोध प्रदर्शन कितना व्यापक होता है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।